तो आईफोन 15 अगर हम बात कर रहे थे, ये जो स्मार्टफोन सितंबर के मध्य में लॉन्च होगा इसी ईयर, तो क्या ये स्मार्टफोन में हमें अपग्रेड देखने को मिल जाएगी, क्या इस स्मार्टफोन की लेटेस्ट रिलीज देखने को मिल जाती है, और क्या ये स्मार्टफोन आईफोन 40 प्रो या फिर 40 प्रो मैक्स से आपको अच्छा देखने को मिल सकता है, क्या आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको आईफोन 15 सीरीज में देखने को मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन 15 प्रो से, और क्या आपको आईफोन 40 प्रो लेना चाहिए या फिर आपको आईफोन 15 के लिए वेट करना चाहिए। तो अगर आप एक प्लान करें लेटेस्ट स्मार्टफोन आईफोन एप्पल की तरफ से आने वाला आईफोन 15, तो बेसिकली वीडियो काफी हो सकते हो, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले पार्ट की अगर बात करें तो यहां पर ये स्मार्टफोन की क्या हमें अब तक की लीक्स देखने को मिल जाती है, अब तक की लीक्स की अगर बात करें तो यहां पर आपको मेजर लीक्स जो कि बहुत ही एडवांटेज हमें देखने को मिल जाएगी वो है स्मार्टफोन का डिजाइन। डिजाइन की अगर बात करें तो आईफोन 14 का डिजाइन और 14 प्रो का डिजाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है फ्रंट साइड में। जैसे कि आपको पता है कि आईफोन 14 में हमें देखने को मिलता है डायनेमिक आइलैंड, वहीं पर अगर बात करें आईफोन 14 की तो वहां पर हमें जो है नॉच पैनल ही देखने को मिलता है जो कि आपको आईफोन 13 सीरीज में जैसा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डायनेमिक आइलैंड में बहुत ज्यादा एडवांटेजेस भी है, काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, काफी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें आईफोन 15 में तो कन्फर्म है कि हमको आईफोन 15 में सभी सीरीज में जाकर आपको आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो और 15 अल्ट्रा में आपको डायनेमिक आइलैंड ही देखने को मिल जाएगा जो कि आपको नॉच पैनल 70% से लेकर 80% कंफर्म है कि आपको 50 सीरीज में नहीं देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है। अगर आप एक आईफोन 14 यूज करते हो, आपको अपग्रेड करना चाहते हो, तो आपको ये स्मार्टफोन आईफोन 15 भी काफी अच्छा साबित हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें चिपसेट वाइज, तो चिपसेट की अगर हम बात करें तो आईफोन 15 में आपको सेम चिपसेट ही देखने को मिल जाएगी आईफोन 14 प्रो जैसी, जैसे कि आपको A16 देखने को मिलती है वही सेम आपको आईफोन 15 में देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें आईफोन 15 प्रो और 15 अल्ट्रा की तो वहां पर आपको A70 चिपसेट देखने को मिल जाएगी, बट यहां पर भी एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि हमें जो आईफोन 15 अल्ट्रा है उसमें आपको A17 देखने को मिल सकती है, बट अगर हम बात करें आईफोन 15 प्रो की तो अगर एप्पल इस स्मार्टफोन में दोनों में कंपैरिजन या फिर डिफरेंस लेकर आएगा तो आपको इन दोनों स्मार्टफोन में जो डिफरेंस चिपसेट देखने को मिल सकती है। लेटेस्ट चिपसेट तो आपको ब्रांड न्यू जो टॉप मॉडल होगा आईफोन 15 अल्ट्रा में तो देखने को मिल जाएगी A17, बट अगर हम बात करें 15 प्रो की तो उसमें कंफर्म नहीं है कि हमें कौन सी चिपसेट देखने को मिल सकती है, शायद उसमें आपको A16 ही देखने को मिल जाए, बट अगर हम बात करें तो उसमें आपको कोर्स थोड़े से एक्स्ट्रा देखने को मिल जाए जो कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकते एज कम्पेयर टू आईफोन 15 से। कैमरा क्वालिटी वाइज डेफिनेटली यहाँ पर आपको कैमरा क्वालिटी अब तक की बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी, 48 मेगापिक्सल हमें अब तक देखने को मिलता है वही सेम आपको 48 मेगापिक्सल ही देखने को मिल जाएगा, बट उसमें आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिल जाएगी टेलीफोटो लेंस में और उसमें स्मार्टफोन में आपको जो इन्हेंसमेंट देखने को मिल जाएगी सिनेमैटिक मोड में। जैसे कि आपको पता है कि सिनेमैटिक मोड जो है आईफोन 13 सीरीज में हमें देखने को मिलता था, आईफोन 14 में भी देखने को मिलता है, बट अगर हम बात करें आईफोन 15 सीरीज में सिनेमैटिक मोड है उसमें आपको थोड़ी सी इन्हेंसमेंट देखने को मिल जाएगी, ब्लर की जो डिटेक्शन है वो इसकी इंक्रीज होगी, काफी अच्छे से ब्लर कर सकता है जो कि आपको कैमरा सेंसर में आपको काफी बिगर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमें आईफोन 14 के भी कैमरा बहुत ही ज्यादा बिगर देखने को मिलते हैं, अगर हम बात करें आईफोन 15 अल्ट्रा की तो वहां पर आपको कैमरा सेंसर उससे भी बिगर देखने को मिल सकते हैं, और टेलीफोटो लेंस में आपको 4x तक का ऑप्टिकल जूम लेंस देखने को मिल जाएगा, और वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको देखने को मिल सकती है 8K एट 30fps तक की जो कि आपको सैमसंग के सीरीज में तो डेफिनेटली देखने को मिलती है। अगर हम बात करें आईफोन की सीरीज में आपको 4K 60fps तक की मैक्सिमम देखने को मिलती है, अगर हम देखें तो आईफोन 15 में अल्ट्रा में आपको ये अपग्रेड जो कि कन्फर्म नहीं है बट देखने को मिल सकता है। बैटरी क्वालिटी वाइज तो ये जो सभी स्मार्टफोन्स हैं बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाएंगे, बैटरी क्वालिटी वाइज तो आपको कोई इशू नहीं है, बैटरी क्वालिटी में भी आपको थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसकी अब तक के लिए जो कि मैं आईफोन 15 सीरीज की देखने को मिल जाती है, क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको आईफोन 14 लेना चाहिए, मेरी भी निगरानी आपको वेट करना चाहिए। अगर आप एक प्लान करें आईफोन 14 या फिर 40 प्लस तो यहाँ पर आपको आईफोन 15 में बहुत ज्यादा एडवांटेजेस भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाएगा, एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाएगी और आपको सिनेमैटिक मोड में कैमरा क्वालिटी में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर आप आईफोन 13 यूज कर रहे हो तो आप प्लान करें आईफोन 14 में आने में तो आपको आईफोन 14 बिल्कुल भी चूज करना नहीं चाहिए, आपको आईफोन 13 से आईफोन 15 की तरफ ही जाना चाहिए। अगर आप करंटली आईफोन 14 को बाय कर चुके हो तो आपको आईफोन 15 ही आपको बहुत ही अपग्रेडेबल देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जो करना, साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर शेयर जो करना, ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।